इस पैंडेमिक के टाइम मात्र रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया है। अपने आप को डेब्ट फ्री से लेके अपने अंबानी भाई ने जेफ बेजोस को भी अमीरी में पीछे छोड़ दिया है। और अब जियो की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अंबानी भाऊ अभी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम सभी को पता है कि रिलायंस हर साल एक मीटिंग करता है और उन सभी सर्विसेज के बारे में बात करता है जो उस साल वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। इस साल भी किया तो बाढ़ ही ला दी इस बार तो इनोवेशंस की। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए बहुत से लोग रोमांचित हुए होंगे और ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। उसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे कि वो क्या है। अब इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि ये सभी चीजें क्या है। सबसे पहली चीज तो मुकेश अंबानी जी के अनुसार जियो ने कंप्लीट 5G इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं, वो भी स्क्रैच से। एंड मुकेश अंबानी जी के अनुसार ये सभी इक्विपमेंट्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया हैं, मतलब कुछ भी बाहर की कंट्रीज से नहीं लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके अनुसार वो पूरी तरीके से तैयार हैं पूरी कंट्री में 5G को एग्जीक्यूट करने के लिए, बस वो ऑक्शन वगैरह के वेट कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है सिंस अभी तक 5G कंप्लीटली पूरी तरीके से कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अच्छे से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और अगर ये लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मतलब मजा ही आ जाएगा। फ्लैश की स्पीड से जो डाउनलोड होगी नई चीजें, मजा ही आ जाएगा। सिर्फ इससे जियो को ही फायदा नहीं है, कस्टमर्स को भी फायदा होगा। और साथ ही साथ सिंस जियो इसे कम्प्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा और एकमात्र कंपनी जियो है जिसने 5G इक्विपमेंट्स को तैयार किया है, सो ये यहाँ पे बाकी कंपनीज को भी बेच सकते हैं और साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड स्पीड से याद आया, जियो ने अपने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है, नाम है इम्बाइब। डिजिटल एजुकेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है और ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है सिंस डेटा अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड हो ही रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसका एक्सेस कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में काम किया जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से अंडर प्रिविलेज लोगों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पहुंच पाएंगे और वो लोग नॉलेज गेन कर सकेंगे। बात करें अगली चीज़ की, अपने अंबानी भाऊ के अनाउंसमेंट के अनुसार जियो मार्ट और व्हाट्सएप साथ मिलकर एक ऐसे आइडिया में काम कर रहे हैं जिससे लोग व्हाट्सएप के थ्रू जियो मार्ट को यूज कर सकें। इसमें जियो का मोटो ये है कि हमारे यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं यानी कि किराना शॉप्स और लोकल जो भी शॉप्स रहती हैं, इनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है अपने चीज सामान को सेल करने के लिए। सो इसके थ्रू जियो की कोशिश है कि लोकल वेंडर्स को भी प्लेटफॉर्म मिल सके और हम लोग भी अपना घर बैठे बैठे इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और हमें होम डिलीवरी मिल जाएगी। वैसे अभी ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब समझ में आया कि अपने जुक्कू भाई ने जो पैसा लगाया था जियो पे वो क्यों लगाया था। अपने जुक्कू भाई तो कतई होशियार निकले। जोक सपाट, वैसे आप सभी को जियो टीवी के बारे में पता होगा, पर अब जियो टीवी ने सभी OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और भी बहुत सारे इस तरह के 11 OTT प्लेटफॉर्म्स को एक साथ प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट किया है। और इसका फायदा ये होगा कि अभी तक क्या करना पड़ रहा था कि हर OTT प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग ID को एक्सेस करना पड़ रहा था और सभी को अलग अलग पैसा देने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से अगर कोई 2 या 3 OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो वो थोड़ा महंगा भी पड़ रहा था। पर अब जियो के अनाउंसमेंट के अनुसार हम लोग मात्र एक ID बनाएंगे और उसी के थ्रू हम सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पाएंगे। अब ये है तो बहुत अच्छी चीज़, बस रीजनेबल रेट में मिलनी चाहिए। वैसे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कोई OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं क्या। अब 5G तो ला ही दिया है, पर बिना अफोर्डेबल 5G फोन्स के इसका कोई मतलब नहीं होगा। हम सभी को पता है पिछला जियो फोन सबसे सस्ता 4G फोन था एंड आई थिंक इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार जियो और गूगल मिल के एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि सस्ते फ़ोन में चल सके, एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी सिंस एजुकेशन का सबसे आसान तरीका आज के डेट में हमारे स्मार्टफोन्स ही हैं। इस तरीके की कोई चीज़ रियलिटी में तब्दील होती है तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा जिससे ज़्यादातर लोगों के पास एजुकेशन पहुँच पाएगी और वो लोग अवेयर हो पाएंगे। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी जियो लॉन्च करने वाला है, सो वो है इनके अपने चश्मे। नॉर्मल चश्मे नहीं भाई, रुको, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले चश्मे। अब जिसे नहीं पता कि AR क्या होता है तो AR का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड रियलिटी, और इसमें हम वो सभी चीज़ें रियलिटी में देख सकते हैं अपने डिवाइसेस के थ्रू जो हम देखना चाहते हैं। अब चाहे वो चेयर पे छिपकली बैठाना हो या टेबल पे डायनासोर, सब आपके हाथों में है।
लेकिन हाँ रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, डिजिटली ही सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे ये सब चीज़ें। इसलिए इसे मिक्स्ड रियलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल रियलिटी में इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन करते हैं। AR पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में देख सकते हैं अगर आपको AR के बारे में और भी जानना हो तो। हम सभी जानते हैं AR पे बहुत सी कंपनीज पहले से काम कर रही और अभी भी काम कर रही हैं। अनाउंसमेंट्स की माने तो एप्पल अपना AR ग्लास लाने वाला है, कब लाएगा इसका कोई पता नहीं पर आने जरूर वाला है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जियो या एप्पल ने ही इस तरह के कोई अनाउंसमेंट की है, इससे पहले भी गूगल ने 2014 में ट्राई किया था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जियो गूगल के जो ग्लासेस थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और अगर जियो की बात करें तो ये इन ग्लासेस के थ्रू आप सिर्फ डायनासोर को टेबल पे या छिपकली को चेयर पे नहीं बैठाएंगे, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इनका रियल इंटेंशन ये है कि लोग इन ग्लासेस के थ्रू वर्चुअल मीटिंग्स या कॉल अटेंड कर सकें, वीडियो कॉल्स। इसमें यूजर का एक एवेटार टाइप का बन जाता है और लोग जो भी इन्हें पहनेंगे वो ऐसा फील करेंगे कि उनके सामने ही जो बंदे का अवतार है वो है और वो सामने ही बात कर रहा है। सो ये प्रोफेशनली और वीडियो कॉल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वैसे अभी तक जो इन्होंने डेमो दिखाया है वो इतना पॉलिश तो नहीं लग रहा था, पर सिंस ये फर्स्ट वर्जन होगा जियो ग्लासेस का एंड ये जो वीडियो दिखाया था उन्होंने वो सिर्फ एक डेमो था, हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी। कुछ भी हो काम की चीज़ तो है, बस बजट में होनी चाहिए। अब 1,00,000 में आ जाएगी तो इसे कौन खरीदेगा, पर हाँ अगर बजट में होगी तो हम भी खरीदेंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। यही सब चीज़ें जियो ने अपने इवेंट में अनाउंस की थी। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।